सीतामढ़ी जिला प्रशासन को मिली बड़ी सफलता। विशेष दल द्वारा छापेमारी में चार अपराधी पुलिस गिरफ्तार। इस मामले में सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सोनवर्षा थाना अंतर्गत अपराधी मोहम्मद रसूल शेख के द्वारा जयराम गैस एजेंसी सोनवर्षा के मालिक दीप नारायण महतो से रंगदारी की मांग की गई तथा रंगदारी नहीं देने के कारण गैस एजेंसी सोनवर्षा में गोलीबारी की गई। पूछताछ में इन अपराधियों ने रूनी सैदपुर में स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण छीनने में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। विशेष दल द्वारा छापेमारी में इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें 7.6.5 mm के दो पिस्टल, 3 मैगजीन, 1.32 गोली तथा 9 mm का एक पिस्टल, एक मैगजीन व 5 गोली और 315 का एक कट्टा एवं 8 गोली बरामद किया गया। सभी कांडों में उपयोग किया गया काले रंग की अपाचे की भी बरामदी हुई। ज्ञात हो कि अपराधी कर्मी मोहम्मद रसूल का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है तथा वह जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, जिसे प्रशासन ने नाकाम कर दिया।